Assalamualaikum and welcome to Radio Sabka Saath, and you're listening to Weekly Dose with Arjanam. Across the world, wherever you are, you can join us and contact us here on Nayi Subah YouTube channel and on Facebook pages. These are facebook.com/Nayi Subah Institute and facebook.com/Sabka Saath. आपका साथ हमारे साथ कुछ ही देर का होता है और इसमें हमें बहुत सारी बातें करनी होती हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं हमारे शो में हम बात करते हैं एक बुक पे जो होती है सेल्फ हेल्प पे, क्योंकि हम जब तक खुद की हेल्प ना करें हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्प योर सेल्फ। तो हमारे पास आज भी एक बुक है और उसके अलावा रिडल मैंने सोची नहीं, तो हम बात कर लेते हैं प्रीवियस शो की रिडल पर, जो कि थी वेयर टुडे कम्स बिफोर यस्टरडे। तो यस्टरडे से पहले टुडे कैसे आता है, कहाँ आता है? डिक्शनरी में आता है, क्योंकि टुडे टी से स्टार्ट होता है और यस्टरडे वाई से स्टार्ट होता है, तो डिक्शनरी में टुडे यस्टरडे से पहले आता है। है ना इंटरेस्टिंग रिडल। चलें अपने शो के फॉर्मेट को बरकरार रखते हुए हम आज भी एक रिडल सोच ही लेते हैं। चलें ठीक है, तो ये रिडल है, व्हाट स्टार्ट्स फ्रॉम टी एंड्स फ्रॉम टी एंड फुल ऑफ टी, व्हाट इज इट? आप बताएं, सोचें, वो क्या है जो टी से स्टार्ट होता है, ख़त्म भी टी पे होता है और फुल ऑफ टी होता है? इसके बारे में सोचें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। याद है आपको प्रीवियस शो में हमने एक वर्कशॉप के बारे में बात की थी, तो उसमें इनरोल होने के लिए अभी भी आपके पास टाइम है। डोंट मिस दिस चांस एंड इनरोल बिफोर 15th, क्योंकि ये वर्कशॉप 15th दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। और आज के इस शो की डिस्क्रिप्शन में भी इस वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो जाएं और जल्दी से रजिस्टर हो जाएं, ताकि आप IBA Entrepreneur Program की वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। ऑलराइट, तो हम आते हैं अपनी आज की बुक पर, और हमारी आज की बुक का नाम है How to Win Friends and Influence People. Wow, written by Dale Carnegie. इसका genre self-help book है and over 15 million copies has been sold of this book. और इसकी English काफी hard है, no problem at all. अगर इस बुक को पढ़ते हुए आपको किसी वर्ड का डेफिनेशन ना पता हो तो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं, और इस तरह आपकी वोकैबुलरीज इनहेंस होती हैं। रीडिंग हैबिट को अपनाने से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश अगर हम सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बुक्स पढ़ने से हमारी वोकैबुलरीज इनहेंस होती हैं, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, उसके साथ साथ हमें बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। सो डिवेलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। दिस बुक इज नंबर वन बुक on communication skills. और ये बुक आपकी हेल्प करती है न्यू फ्रेंड्स बनाने में और लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे शो को लाइक भी कर लें, कॉमेंट करें और मेरा शो सुनते रहें। ओके, सो इस बुक में 30 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको बताया गया है किस तरह से आप न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और गुड रिलेशंस बना सकते हैं। और ये 30 चैप्टर्स इस बुक में 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें बताया गया है कि लोगों को किस तरह से हैंडल करना होता है। एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि कोई डिफिकल्ट आपका बॉस है या आपकी वाइफ या हस्बैंड काफी डिफिकल्ट हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना है इन 3 चैप्टर्स में बताया गया है। नाउ द सेकेंड पार्ट gives you 6 ways, 6 techniques that will help you to become more attractive and more likable. Third part gives you 11 chapters. और ये आपको help करेंगे लोगों को influence करने में. If you want someone to do something for you, these 11 chapters will help you in doing that. Now finally, fourth part. It includes 9 chapters. ये आपके help करेंगे लोगों को change करने में, लोगों के ओपिनियंस को चेंज करने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग एंड योर फैमिली इज अगेंस्ट, तो ये 9 चैप्टर्स आपकी हेल्प करेंगे कि आप कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो इस बुक से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आप इसको फॉलो भी करें, और फॉलो करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए।
फर्स्ट चैप्टर है कि डोंट क्रिटिसाइज एनीवन एंड डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग एंड यू कैन नॉट चेंज योर हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग जस्ट बाय रीडिंग अ चैप्टर ऑन इट. You have to be practical. We all have this habit of complaining. अगर हमें कोई complain है, तो don't complain. Solve that problem. Similarly, don't criticize anyone. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो आप उसको criticize नहीं करोगे. आप इसको पढ़ने की, education की अहमियत बताओगे. ना कि आप ये बोलो, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते. Instead of saying these kind of negative थिंग्स, हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव वे में उस चीज के बेनिफिट्स बताएं जो कि हम करवाना चाहते हैं. चैप्टर 2 सेज दैट गिव सिंसियर एंड अप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट. हमारी हैबिट होती है कि खराबी निकालना, गलतियां ढूंढना, कमियां ढूंढना, लेकिन हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते. तो खामियां निकालना छोड़ें और अप्रिशिएट करना सीखें. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ, सो स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स. अगर कोई हार्ड वर्क करता है तो उसको अप्रिशिएट करें, कॉम्प्लीमेंट दें कि आप एक हार्ड वर्कर हो. अगर कोई अच्छा खाना पकाता है, डिलीशियस फूड कुक करता है, आपकी मदर या सिस्टर या आपकी वाइफ, आपको चाहिए कि आप कॉम्प्लीमेंट दें, अप्रिशिएट करें कि आपने बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया है. इन स्मॉल कॉम्प्लीमेंट से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे एंड देन दे विल लाइक यू. नाउ थर्ड चैप्टर सेज दैट इफ यू वांट समवन टू डू समथिंग फॉर यू देन इंस्पायर हिम टू डू इट एंड मेक हिम इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. इफ यू आर अ बॉस और आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय ज्यादा काम करे, वर्क हार्ड करे और प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो आप उसको उसके फायदे दिखाएं, बताएं कि ये काम करने से उसको क्या फायदा होगा. लाइक सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन और यू विल लर्न न्यू थिंग्स. तो ये थे 3 चैप्टर्स फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ दिस बुक. हम थोड़ी और बात करते हैं इस पे, और तब तक अगर आपने मेरे शो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जहाँ तक बात है अप्रिशिएट करने की, तो आपने मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी, जिसमें संजय दत्त एक सफाई करने वाले को जादू की झप्पी देता है और वो कितना खुश होता है इससे कि उसको एक इम्पोर्टेंस मिली और उसको वो अप्रिशिएट करता है. ये वो चीज़ है जो कि हम अंदर से सब चाहते हैं कि हमें मिले, और वो क्या है? Desire to be important and appreciated. इसी तरह से इस मूवी में जब हीरो एक सफाई करने वाले को अप्रिशिएट करता है, उसको उसकी इम्पोर्टेंस का बताता है, तो वो कितना खुश होता है और मूवी के एंड तक उसकी हेल्प करता है. तो ये थी मूवी, लेकिन सच्चाई भी यही है कि हम अपनी लाइफ में लोगों के छोटे बड़े सेक्रीफाइसेस को इग्नोर कर देते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते या भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं. याद रखें, क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाना और अप्रिशिएट करना सीख जाते हो, तो आप लोगों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो. आप किसी भी शख्स से कोई काम नहीं करवा सकते जब तक वो खुद ना चाहे. हाँ, अगर आप गन पॉइंट पे करवाना चाहें तो हो सकता है, लेकिन उसकी खुद की मर्जी शामिल हो, ऐसा कुछ करें. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस बुक के राइटर जो कि हैं डेल कार्नेगी, उनके बारे में. डेल कार्नेगी ने न्यूयॉर्क में एक होटल में सोशल स्किल्स पर लेक्चर्स रखे थे. एक दिन उन्हें ये न्यूज़ मिली कि मैनेजर ने उनका रेंट 3 times बढ़ा दिया है. कार्नेगी उतना रेंट नहीं देना चाहते थे जितना उनको कहा गया था. नेक्स्ट डे कार्नेगी उस मैनेजर से मिलने गए और कहा, मुझे काफी शॉक लगा जब मुझे आपका ये लेटर मिला. मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका काम है होटल को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाना. मैं भी ऐसे ही करता अगर आपकी जगह पे होता, लेकिन अभी के लिए हम एक पेपर में लिखते हैं कि इससे आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान. फायदा ये होगा कि आपका ये कॉन्फ्रेंस रूम फ्री हो जाएगा, जिसे आप डांस और कन्वेंशन के लिए दे पाओगे, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा. और नुकसान ये होगा क्योंकि आप मुझसे 300% प्रॉफिट की जगह कुछ भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मुझे कोई और होटल देखना पड़ेगा. दूसरा, मेरे लेक्चर्स में बहुत ही पढ़े लिखे और प्रोफेशनल्स आते हैं, जिससे आपके होटल का काफी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है. अगर आप $5,000 का एडवर्टाइजमेंट करवाओगे तो भी इतने लोग नहीं आएंगे आपके होटल में जितने मेरे लेक्चर्स की वजह से आते हैं.
तो कार्नेगी ने वो पेपर मैनेजर के हाथ में दिया और उसको अच्छे से सोच कर डिसीजन लेने के लिए कहा। दूसरे दिन उस मैनेजर का लेटर आया जिसमें उसने 300% पैसे बढ़ाने के बजाय 50% पैसे बढ़ाने पर डील की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कार्नेगी ने मैनेजर से वो सब करवाया जो वो चाहते थे, लेकिन मैनेजर को एक भी बार ये नहीं बताया कि वो क्या चाहते हैं। नॉर्मली इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करता, मैनेजर के पास जाता और चिल्लाता कि आपने एंड टाइम पे इतने पैसे कैसे बढ़ा दिए, मुझे नहीं देना इतना पैसा, खूब सारी आर्गुमेंट करता। अगर वो ये प्रूफ भी कर देता कि मैनेजर ने गलत किया है, लेकिन मैनेजर की प्राइड बीच में आ जाती और वो उसको उसके डिसीजन से पीछे हटने ना देती। तो अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो उसको ये मत बोलना कि आप क्या चाहते हो, बल्कि ऐसा कुछ बताना जिससे वो खुद वो काम करना चाहे। तो ये थी हमारी आज की बुक How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie। और अगर आप उस IBA की वर्कशॉप में इनरोल होना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जाते जाते अपनी रिडल को रिपीट कर देती हूँ जो कि है, What starts from tea ends from tea and full of टी। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।